गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। गुड मॉर्निंग। कल तो यार वाणी मैम की तबीयत बहुत खराब थी। यही होता है जब आपका ज्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है। यस, ओ गॉड, यस्टरडे आई वाज वेरी अनवेल, बट थैंक गॉड आई एम मच 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 बेटर टुडे। चलिए स्टार्ट करें मेरे बच्चों। Yes, so everyone, good morning. I hope आप लोग बढ़िया हो। आपने अपना संडे अच्छे से यूज किया कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने में। एंड ये थोड़ा ट्रिकी सा चैप्टर है। सॉरी गाइज, आज यू नो आई एम वेल, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू फेस सो मेनी लाइट्स ऑफ द स्टूडियो अर्ली इन द मॉर्निंग। शाम की क्लास में जरूर बिग स्क्रीन पे ले लूंगी, बट यू नो yesterday I had a terrible migraine attack. So that's the reason why I'm taking a class on the small screen. Can you all hear me and see me? Perfect. तो मुझे लगता है क्लास बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि मैं सब कुछ मार्क करके लाई हूँ और हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाय आयशा, ओजस्वी, यश, शगुन, चांद, ऋतिक, क्यूटी प्रिंसेस, पूर्णिमा, सृष्टि, गरिमा, रायसा, बताइए गरिमा जी आपको क्या हेल्प चाहिए, वीना जी, गुड मॉर्निंग। चलिए तो प्लीज अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। राइट एवरीबडी, प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी। आई थिंक द वॉइस इज लाउड एंड क्लियर, मेरी तरफ फुल वॉल्यूम आ रहा है। डन, चलिए पिन ड्रॉप साइलेंस। एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, देखो ये हमारा चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के नीचे आ जाओ। आपको यहाँ दिख रहे हैं नीट 2022 क्रैश लाइव इंग्लिश, इंग्लिश आज से लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। आज से लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए। राइट, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, प्लीज इस पे, ये जो है ना लाइव क्रैश कोर्स, इस पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए, दीज आर द लाइव क्रैश कोर्स, नीट 2022 क्रैश कोर्स लाइव, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट क्लिक हो, यू नो अवेलेबल होंगे। अनलिमिटेड एक्सेस टिल एग्जाम डेट, 60 से ज्यादा लाइव इंटरक्टिव क्लासेस, 10 पार्ट टेस्ट, 10 फुल टेस्ट, दैट मीन्स 20 टेस्ट, 500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्विजेस, लाइव डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास। जिन बच्चों का 11th का सिलेबस नहीं हो रहा, सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, रिवाइज द इंटायर सिलेबस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डाउट्स, राइट, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। इट इज वेरी इंटरैक्टिव लर्निंग, स्टडी मटेरियल सब मिलेगा। बाय द कोर्स, बट डोंट बाय इट विदाउट माय कोड VD प्रो। राइट एवरीबडी, चलिए सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। फुल स्क्रीन कर देते हैं, कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Can you all see the screen? Right? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Check, 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 check. Loud and clear, is the voice fine? Now the voice is fine, perfect. Okay, okay, okay. Now pin drop silent. आप आराम से बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड प्रीति जी कैसे हैं आप? आयशा जी, अखिल जी, चलो चलो चलो, पिन ड्रॉप साइलेंस, आराम से बैठो और ये देखते रहो। सबसे पहले जब सिमिलर सेल्स हो अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसे कहा जाता है टिश्यू। सो व्हाट इज टिश्यू? सेल्स, राइट एवरीबडी, सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विद इंटरसेलुलर स्पेसेस। थैंक्स आद्या, अंडरस्टूड एवरीबडी? नाउ व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, दैट टाइम इट इज कॉल्ड अ ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट? आद्या आर मच बेटर नाउ, प्लीज पे अटेंशन। Like for example, the mouth, the esophagus, the stomach, the intestine. So that is the digestive system. When two or more organs, they perform a specific function, organ system. Ab yahan se shuru hoga, right? Tissues are of different types. Animal tissues ke types hai, epithelial, connective, muscular, neural. Digya, Arnab kitne time hai? Very nice, Arnab. Very nice. Use my codes. Kitne type hai animal tissues ki bataiye? There are four types. Epithelial, connective, muscular, neural, we are going to be doing that in today's class. Is it comfortable? Can you all see the slides? Can you all see the class? There is no problem in seeing anything, right? Full screen kar lete, even better.
नाउ लेट अस कम टू एपिथीलियल टिश्यू, जो बॉडी की सरफेस को कवर करता है, फ्री सरफेस को कवर करता है, उसको एपिथीलियल टिश्यू कहते हैं। एक तरह की लाइनिंग बनाता है। एपिथीलियल टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल और कंपाउंड। जब सिर्फ एक लेयर होगी, राइट, जब सिंगल लेयर होगी उसे सिंपल एपिथीलियम कहते हैं, जब मल्टीपल लेयर्स होती हैं उसे कंपाउंड एपिथीलियम कहते हैं। डेफिनेशन पर भी क्वेश्चन आते हैं। इज दैट क्लियर शिक्षा, इज दैट क्लियर मनीष, इज दैट क्लियर शगुन? जब सिंगल लेयर होगी तो उसे सिंपल एपिथीलियम कहते हैं, जब मल्टीपल लेयर्स होती हैं उसे कंपाउंड एपिथीलियम कहते हैं। सिंगल जो लेयर होती है, जो सिंपल एपिथीलियम की होती है, इट इज देयर इन बॉडी कैविटीज, डक्ट में, ट्यूब्स में। और कंपाउंड एपिथीलियम मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इज दैट क्लियर? सिंपल एपिथीलियम के फिर तीन टाइप्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, स्क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। मैक्सिमम क्वेश्चंस इनकी डेफिनेशन पे नहीं आएंगे, डोंट वरी अबाउट डेफिनेशन, क्वेश्चंस विल कम ऑन द प्लेसेस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथीलियम आर देयर? थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल एपिथीलियम आर देयर, दे आर स्क्वामोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। नाउ यहां दिख रहा है, ये दिख गए एमसीक्यू की बौछार? कैन यू ऑल सी द लाइन? इन ये कौन सी जगह पर लगे हैं, इस पे क्वेश्चंस आएंगे। वेयर एग्जैक्टली आर दे, यही पे क्वेश्चंस आएंगे। स्क्वामोस एपिथीलियम एक सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्री होती है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? फ्लैटेंड सेल्स ऑफ इररेगुलर ब्लड वेसल में इनको क्या बोला जाता है? एंडोथीलियम। मनीष क्या बोला जाता है? शिवेंद्र क्या बोला जाता है? एंडोथीलियम। ये लंग्स में होते हैं। स्क्वामोस एपिथीलियम सिंगल लेयर वहां पे होगी जहां एक्सचेंज होना है। ये देखो डिफ्यूजन बाउंड्री देखिए, डिफ्यूजन कहां कहां होता है? लंग्स एंड किडनीज। डिफ्यूजन कहां कहां होता है बेटा, बता दो मैम को, डिफ्यूजन कहां होता है? ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एमसीक्यू क्वेश्चन है, डिफ्यूजन कहां होता है? डिफ्यूजन होता है लंग्स में, डिफ्यूजन होता है किडनीज में और ब्लड वेसल्स में। इन तीन जगह पर ये सेल्स पाए जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये कहां पाए जाते हैं? तीन जगह पर। आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइडल एपिथीलियम सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल होते हैं। सिंपल एपिथीलियम ये देखिए, ये क्यूबॉइडल एपिथीलियम बी, क्यूब लाइक सेल बी, राइट, ये पाए जाते हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। पीसीटी का क्वेश्चन आएगा, याद रखना, पीसीटी का क्वेश्चन आएगा, राइट। ये देखो पीसीटी, ये आपके डक्ट्स और ग्लैंड्स, आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यही होंगे। इज दैट क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा? डक्ट्स में, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। पीसीटी में क्या होगा? क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्वेश्चन आएगा, राइट एवरीबॉडी। ब्रोकन पेज, बिल्कुल वॉल्यूम लो नहीं है बेटा, अपना जरा वॉल्यूम खुद की साइड का बढ़ा ले बेटा। फिर कॉलमनर एपिथीलियम लंबे होंगे और इनका न्यूक्लियस बेस की तरफ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कॉलमनर एपिथीलियम लंबे होंगे, न्यूक्लियस बेस की तरफ होगा, न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाय है, राइट, इंटेस्टाइन में होंगे एब्जॉर्प्शन के लिए, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री सरफेस पे सीलिया भी होता है, जब फ्री सरफेस पे सीलिया लगा होता है, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स। मेरी आवाज मत सुनो, सामने देखो मैं क्या बोल रही हूं, फैलोपियन ट्यूब्स, राइट एवरीबॉडी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैलोपियन ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थैंक्स अनन्या, राइट, फैलोपियन ट्यूब, थैंक यू अनन्या। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Understood? Done? Perfect. Okay. Is that clear, everyone? इसको कर देती हूँ। अब सुन रहा है better? Check, 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 check. माइक लगा दिया है। ये ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, अनन्या याद रखना। ब्रोंकियल फेलोपियन ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डन रीना? चलो, सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड ग्लैंडुलर सिक्रीशन करने के लिए, राइट, ग्लैंडुलर। दो टाइप के ग्लैंडुलर एपिथीलियम होते हैं, यूनिसेलुलर, थैंक्स पृथ्वीराज, थैंक्स। ऑब्वियसली यार कुछ भी सुनना है तो ईयरफोन तो लगाना पड़ेगा ना, राइट, रोज वॉल्यूम वॉल्यूम करने लग जाते हो आकर, ठीक है, चलो पे अटेंशन, बेस्ट है ना, ठीक है। ग्लैंडुलर, यूनिसेलुलर, जहां एक ग्लैंड होता है और जहां ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है।
तो क्लस्टर ऑफ सेल्स का होता है सलाइवरी ग्लैंड। अब किस तरह से सिक्रीशन पोर करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। थैंक्स रीना, थैंक यू बच्चों। किस तरह, एक होगा एक्सोक्राइन, जो एग्जिट करने के लिए जिसके पास डक्ट होती है, जिसके पास डक्ट नहीं होती है वो एंडोक्राइन होता है। इज दैट क्लियर? डोंट वरी जयती, दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से मैं सोच रहा हूँ 6:30 बजे ही कर दूँ, इट इज बेटर टू गेट अप एट 6:30, है ना। थैंक्स शगुन, डन एवरीबडी। एंड गाइज, आज ना मैं सच में बड़ी स्क्रीन पे क्लास नहीं ले पाया, अगर मैंने सारी स्टूडियो लाइट्स ऑन कर दी ना तो मेरा सर फट जाएगा सच में। मतलब आई कॉन्ट टेल यू, कल आई हैव हैड हेडेक फॉर मोर देन 12 आवर्स। अगर आपके घर में किसी को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको पता होगा यार, एक बार जब माइग्रेन वाली हेडेक आती है तो भाई साहब बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? चलो आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। ठीक है, आ जाओ प्लीज। तो एक्सोक्राइन, जब डक्ट होता है डक्ट तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं, जब डक्ट नहीं है तो उसको एंडोक्राइन। प्लीज इसके एग्जांपल रख लो। एक्सोक्राइन होता है म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इज दैट क्लियर? इसके एग्जाम्पल रट लो प्लीज फटाफट। वही दही आयशा, फटाफट। सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट होती है स्टेंसन्स डक्ट, वॉटन्स डक्ट, राइट? ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव ग्लैंड, इनके पास डक्ट्स और ट्यूब्स हैं। एंडोक्राइन के पास कोई डक्ट नहीं होती, एंडोक्राइन होता है हॉर्मोन्स। ये मैंने पूरा इधर एमसीक्यू कर दिया कि पूरा पैराग्राफ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन आपने रटना है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? यस रौनक, रीना, इज दैट क्लियर? राइट सौम्या, वेल डन। कंपाउंड एपिथीलियम, कंपाउंड एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर। ये ना सिक्रीट कर सकती है, ना एब्जॉर्ब कर सकती है। ये ना सिक्रीट कर सकती है या एब्जॉर्ब कर सकती है। इसका काम होता है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से रोकना। तो जहां पर भी स्किन घिसती है, जहां पर भी स्किन अब्रेड हो सकती है, वहां पर ही होती है। जैसे मुंह के अंदर बक्कल कैविटी। अब देखो बेटा, ये दो तरह की होती है। अगर मल्टी लेयर्ड है पर बाहर इसके हार्ड केराटिन नहीं है तो नॉन केराटिनाइज्ड, या अगर इसके बाहर जैसे स्किन में केराटिन है तो केराटिनाइज्ड। अब बताओ बक्कल कैविटी केराटिनाइज्ड होगी कि नॉन केराटिनाइज्ड? नॉन केराटिनाइज्ड। फैरिंग्स में केराटिन नहीं होगा, जब ये स्किन पे होगी तो बाहर क्या होगा? केराटिनाइज्ड। सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक डक्ट, इट इज ऑल कंपाउंड एपिथीलियम। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन दिख रहे हैं यहां मैंने मार्क किए हुए और एमसीक्यू लिखा हुआ है। यस, थैंक यू शगुन, इज दैट क्लियर? ओके चिक्कू जी, ओके चिक्कू जी, चलिए, इज दैट क्लियर? डन चिक्कू एवरीबडी। अब बेटा जंक्शंस होती हैं जिनसे हम सेल्स को बांध के रखते हैं, राइट? वेरी गुड। नॉन केराटिनाइज में के आएगा सौम्या। अगर हमें सेल्स को बहुत टाइटली बांधना है ताकि सब्सटेंसेस लीक ना करें, दैट इज कॉल्ड टाइट जंक्शन। इज दैट क्लियर? अगर मुझे बाजू बाजू के सेल्स को पास पास में रखना है, सीमेंट करके पास में रखना है, दैट इज कॉल्ड एज अडेयरिंग जंक्शन। और अगर बीच में गैप देना है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। तो आपके पास कितने हैं? अगर मुझे सेल को बहुत क्लोजली टाइटली बांधना है ताकि देर इज नो लीकेज, टाइट जंक्शन। अगर आसपास के सेल्स को ऐसे रखना है ताकि वो एक दूसरे के पास सीमेंट हो जाएं, राइट, और एक दूसरे के साथ लग जाएं, दैट इज कॉल्ड एज अडहेरिंग जंक्शन। अगर मुझे बीच में गैप देना है ताकि सब्सटेंसेस को एक दूसरे सब्सटेंसेस को पास कर दे, दैट इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन। अभी आ जाओ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का काम, नाम कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए होता है बिकॉज उसको एक दूसरे को लिंक और सपोर्ट करना है। जब भी सेल्स को एक दूसरे को लिंक और सपोर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज में, बोन में, फैट टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में और ब्लड में। ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड। अब ये डायग्राम याद रखो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आपको सेल विद इरेगुलर बाउंड्री नजर आ रही है? कैन यू सी अ ऑरेंज कलर सेल विद इरेगुलर बाउंड्री? प्लीज मेरा कर्सर देखिए, कैन यू सी अ ऑरेंज कलर सेल विद इरेगुलर बाउंड्री? जहां पर आपको ऑरेंज कलर सेल विद इरेगुलर बाउंड्री दिख गया, वेर एवर यू कैन से हर्षनी ऑरेंज कलर सेल विद इरेगुलर बाउंड्री, दैट्स कॉल्ड अ मैक्रोफेज। डू यू सी अ सेल विच इज दिस शेप, स्पिंडल शेप, ग्रीन कलर सेल? दैट्स अ फाइब्रोब्लास्ट। द फंक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट इज टू सिक्रीट कोलेजन। डू यू सी द बिग फैट येलो सेल? प्लीज लुक एट द बिग फैट येलो सेल विद द न्यूक्लियस पुश टू द पेरीफेरी।
It's a 2017 previous year question. Nucleus is pushed to the periphery. Look at the green, red colored nucleus pushed to the periphery. That is called the adipose cell. What is that called? That's called an adipose cell with the nucleus is pushed to the periphery. Do you see a purple color cell with a lot of granules? The granules contain heparin, histamine, serotonin. The granules contain heparin, histamine, serotonin. That's called the mast cell. The mast cell, which is also referred to as the basophil, will have heparin, histamine, serotonin. Do you see pink fibers which are branching in Ys? Do you see pink fibers which are branching in Y? That's called the yellow elastic fibers. Right, everybody? The pink and yellow fibers which are branching are the yellow elastic fibers. Is that clear? Harshini, I'm speaking in English, my dear child. I can't speak in French now. Is that clear, everybody? So the nucleus is pushed to the periphery. Can you all see? Dikh raha hai? Nucleus is pushed to the periphery. Yes, everybody. Nucleus periphery mein dikh raha hai. Well done. Well done. Now, connective tissue ke teen type hai. Loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Very important. Sabse pehle aajo ye teen type hai. Right, जैसे एपिथीलियम के टाइप से वैसे यहाँ आ गए. लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड फाइबर्स आर वेरी लूजली अरेंज. आपकी स्किन के नीचे एक लेयर होती है जो आपको इंजरी से प्रोटेक्ट करती है. इफ यू एवर फॉल डाउन, इट विल प्रोटेक्ट योर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम एनी इंजरी. दैट इज कॉल्ड द लूज एरियोलर टिश्यू. इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन. It is called the loose areolar tissue. There are fibroblasts which secrete fibers. There are macrophages, mast cells. You will also have fat at specific places in your body, which is basically meant to store fat. That is called the adipose tissue. What is it called? Specialized fat cells. It is called the adipose tissue. Later on in life, if you require energy, it is the adipose tissue. It is the fat tissue. Right, guys? Again and again, I'm telling you one thing. Few days you have to get up. Not even 40 more days are there. You have to get up early in the morning. Is that clear, everybody? Just 40 more days. So the one which is loose connective tissue is under the skin. It's a very loose tissue. Then you have the adipose tissue, which is there to have fat. Then we come to those type of tissues where material is very nicely packed, compactly packed. This is called the dense connective tissue. Dense connective tissue can be of two types. It can be, can you see on top, it is very regularly arranged. All the fibers are, see the top, it is very regularly arranged, dense, regular. And then you have dense, irregular. Is that clear? Is that clear? Dense, regular. Now, jahan par collagen fibers are very regularly arranged, that is dense, regular. Dense, regular are tendons. What do tendons do, Ankit? What do tendons do, Khatana? Tendons connect muscles to bones. Tendons connect muscles to bone. Is that clear, everybody? What is the function of tendon? Muscle to bone. Muscle to bone. Is that clear? Dense, irregular tissue, fibroblast fibers, they are oriented differently. Is that clear? Dense, irregular, there is different type of orientation. Understood? Now you also have some specialized connective tissues. Right? Specialized connective tissue. Can you see cartilage? Please look at this diagram. This is very important. Can you see cartilage? Elastic cartilage, fibrous cartilage, hyaline cartilage. Can you see bone, Haversian canal, bone, osteoblast. Can you see red blood cells, WBCs, platelets, blood? These are specialized connective tissue. Cartilage. Cartilage solid hota hai. Can you see word MCQ pliable? You can change it. Change it. Is that clear? Cells of the cartilage, chondrocyte MCQ. Let me mark MCQ. First, specialized connective tissue example, cartilage. Number one MCQ. Number two MCQ. What are the cells of the cartilage? Chondrocyte. What is the matrix? Matrix is liquid. Is that clear? Right? Now, cartilages are replaced by bones. First, we were cartilage. Then, it became bone. Cartilage kahan hota hai? Tip of the nose, ear, adjoining bones, fibrocartilage, vertebral column, hands and limbs. Understood?
most important question on cartilage, which is going to come in your exams. Elastic cartilage, right? Hyaline cartilage. Is that clear? Understood, everyone? This chapter is just the beginning of human physiology. इसके बाद सारे टॉपिक्स जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट हैं, राइट? दे आर कवर्ड बाय कवरिंग कॉल्ड पेरिकोंड्रियम, द सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स. बोन्स आर नॉन प्लायबल, यू कैन नॉट मूव देम. जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क आपकी बॉडी को देता है, बोन्स, राइट? सॉफ्ट टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, बोन्स. बोन के सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, एमसीक्यू मैंने मार्क किया हुआ है. एंड वॉट इज द इनसाइड पार्ट ऑफ द बोन कॉल्ड? The hollow part which is inside the bone, what is it called? It is called the bone marrow. Bone marrow is of how many types? Two types. Red bone marrow and yellow bone marrow. Yellow bone marrow stores fat. Red bone marrow. Yes? Is that clear, everybody? Adventure journey, Adhya ji. Done? Red bone marrow, red blood cells. Yellow bone marrow, fats. Blood एक fluid connective tissue है. ब्लड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होते हैं, वो आपको ह्यूमन यू नो सर्कुलेटरी सिस्टम में कराऊंगी, बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम में आ सकता है. अब आ जाओ मसल टिश्यू पे. मसल टिश्यू कितनी टाइप की होती है? स्केलेटल एंड स्मूथ. तो ये भी आपको स्पेशली लोकोमोशन वाले चैप्टर में डिटेल में करवाया जाएगा. यहाँ पे अर्थवर्म और कॉकरोच अभी सारा मार्क करवा दूंगी. मेरे जो मार्किंग है ना, उसके अलावा अर्थवर्म और कॉकरोच पे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा. डन. स्केलेटल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू बोन्स, राइट? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स. अब ये दो तरह का होता है स्केलेटल टिश्यू. एक होता है आपका स्केलेटल टिश्यू जिसे आप ऑब्वियसली कहते हो स्मूथ, एक होता है आपका स्ट्राइटेड. स्मूथ इज इनवॉलंटरी, स्ट्राइटेड इज वॉलंटरी. इसको मैं चैप्टर 20 में पढ़ाऊंगी, यहाँ मैं कुछ नहीं करवाने वाली. तीन टाइप का है. आपको ये तीन टाइप दिख रहे हैं, स्ट्राइटेड, राइट, स्मूथ एंड कार्डियक. स्ट्राइटेड में कैन यू सी कि ये सिलेंड्रिकल है? कैन यू सी सिलेंड्रिकल है? यहाँ पे ए, लुक एट माय कर्सर, सिलेंड्रिकल दिख गए, राइट? और न्यूक्लियस इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी. दिस इज द वन विच इज अंडर योर कंट्रोल. अब आपको बीच में दिख रहे हैं स्मूथ, इस टाइप के टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड, फ्यूजीफॉर्म, एमसीक्यू क्वेश्चन. अंडरस्टूड? आपके कंट्रोल में नहीं है, टेपरिंग है. सेकेंड, इनवॉलंटरी है. यस, ब्लड वेसल, स्टमक आपके कंट्रोल में नहीं है. कार्डियक मसल्स में कैन यू सी द जॉइंटेड डिस्क? आपको एक ब्लैक कलर की जॉइंटेड डिस्क दिख रही है जिनको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं. इंटरकैलेटेड डिस्क एमसीक्यू है. दे अलाउ द कॉन्टेंट टू पास एंड द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एज वन यूनिट. सो स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल, पेरिफेरल न्यूक्लियस, नॉट अंडर योर कंट्रोल. स्मूथ मसल फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर, राइट, नॉट अंडर योर कंट्रोल. स्केलेटल अंडर योर कंट्रोल. एंड कार्डियक मसल्स विल हैव इंटरकैलेटेड डिस्क. आ गया, डन. दीवू जी लाइफ कोर्सेज में आपको द बेस्ट टीचर्स ऑफ वेदांत पढ़ाएंगे. डाउट सपोर्ट मिलेगा, क्लास टीचर सपोर्ट मिलेगा, टेस्ट सपोर्ट मिलेगा, असाइनमेंट सपोर्ट मिलेगा, राइट? अब ये है ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम की टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट अब शुरू हुआ, अर्थवर्म, राइट? अब दिख रहा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना शुरू करो. इनकी जो शिट होता है ना, उसको वर्म कास्टिंग्स कहते हैं. ये डाइजेस्ट करते हैं और इनके जो वो गोल 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 शिट होता है, उससे ये पहचान में आते हैं. अर्थवर्म्स के नाम है फेरेटिमा, जो बहुत कॉमन है. एक और याद रख लो, लुम्ब्रिकस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट. आ जाओ, इनकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, सेगमेंट होते हैं. अर्थवर्म में सबसे पहले मेटामेयर होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन. अब अगले 10 मिनट बैठ जाओ बस. अंडरस्टूड? मैं पूरा मार्क करके लेकर आई हूँ, सेगमेंट वेगमेंट सब कुछ मार्क कर लेकर आई हूँ. अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 10 मिनट पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठ जाओ, राइट एवरीबॉडी? पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ बैठ जाओ, ठीक है? अच्छा, न्यूरल रह गया, अभी कर लेते हैं. हाँ, न्यूरल. तो न्यूरल क्या है बेटा? न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. ये भी अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी शायद, इसलिए रह गया होगा, राइट एवरीबॉडी? तो न्यूरॉन्स है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. नर्व्स, नर्व का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? साइटॉन. नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? एक्सॉन, राइट? सेल बॉडी, निसल, ग्रैन्यूल्स होते हैं. एंड इसके सपोर्टिंग टिश्यू जो हाफ द सिस्टम बनाते हैं, वो होते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स. इसका सपोर्टिंग टिश्यू जो हाफ द सिस्टम बनाएगा, वो क्या होंगे? न्यूरोग्लियल सेल्स. इन्हीं की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्विफ्टली ट्रांसफर होती है. तो इन्फॉर्मेशन स्विफ्टली इन्हीं की वजह से ट्रांसफर होती है, डन, ठीक है?
बट अब ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम नहीं, अर्थवर्म। अर्थवर्म एंड कॉकरोच में पूरा मार्क करके लाई हूँ, अगले 15 मिनट्स में, 7 to 8 मिनट्स में अर्थवर्म करा दूंगी, 8 to 10 मिनट्स में कॉकरोच करवा दूंगी, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा और 100% एक क्वेश्चन आएगा। तो 10 मिनट्स बैठ जाओ, 10 मिनट्स में आपके प्लस 4 एग्जाम में इजिली हो सकते हैं, प्लस 4 इजिली हो सकते हैं। अंडरस्टूड राइट? अर्थवर्म सिलेबस में नहीं है फिर भी कर लो बेटा, एनिमल किंगडम टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलेबस में नहीं है फिर भी कर लो जो मैं करा रही हूँ कर लो राइट? तो इनको मेटामेयर से एनिमल किंगडम से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है? यस, जो एनिमल किंगडम में अर्थवर्म है ना यार, तो एनिमल किंगडम से रिलेटेड आ सकता है, इसलिए सुन लो, बस सुन लो एक बार, डन प्रेटो। ओके, नाउ इसके माउथ का जो फ्रंट पार्ट होता है प्रोस्टोमियम, वो सेंसरी होता है। सेंसरी पार्ट कौन सा होता है? प्रोस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट क्या कहलाता है? पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम, सेंसरी पार्ट प्रोस्टोमियम राइट? ये फर्स्ट सेगमेंट पेरिस्टोमियम, सेंसरी पार्ट प्रोस्टोमियम। क्लाइटलम पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बस सुन लो, डन समृद्धि, डोंट बी लेट। ओके, डन, ये कर लिया आपने। सेगमेंट्स 14 टू 16 डार्क होते हैं, तो क्लाइटलम क्या होता है? 14 टू 16 और डार्क होता है। क्लाइटलम से पहले वाला प्री क्लाइटलम, क्लाइटलम एंड पोस्ट क्लाइटलम। अंडरस्टूड एवरीबडी? ठीक है, इज दैट क्लियर? Understood? Now, male genital pores जो होते हैं वो 18th segment में होते हैं। Understood everybody? इनके पास yes septae होते हैं, S-shaped septae। Understood? Locomotion के लिए। तो क्या क्या बताया मैंने अभी तक जो important है? सबसे पहले इसका नाम होता है Ferritima lubricus। इसके पास segments होते हैं metamers। इसके mouth का sensory part कहलाता है prostomium। फर्स्ट सेगमेंट कहलाता है पेरिस्टोमियम। बस इतना बता रही हूँ, उतना याद रख लो राइट? क्लाइटलम 14 टू 16 सेगमेंट में होता है। इसका जो जेनाइटल पोर है मेल्स का, वो 18 सेगमेंट में होता है। इसके पास नेफ्रीडियोफोर होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, एस शेप्ड सेक्टे होते हैं फॉर लोकोमोशन। इज दैट क्लियर? इसकी थिन स्किन में क्यूटिकल होता है जो इसको मॉइस्ट रखता है, रेस्पिरेशन के लिए भी काम आता है क्यूटिकल। इज दैट क्लियर एवरीबडी? ईसोफेगस होता है 5 to 7 सेगमेंट्स में, गिजर्ड होता है 8 to 9 सेगमेंट में। गिजर्ड का काम होता है फूड मटेरियल को क्रश कर देना। स्टमक होता है 9 to 14 सेगमेंट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, 23rd और 25th सेगमेंट में एक फोल्ड होता है, फोल्ड, दैट फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड टाइफ्लोसोल। MCQ आने का चांस है, बाद में मत बोलना वानी मैम आपने नहीं बताया। यस कुकू, अरे वाह रे, माइक तो बड़ा अच्छा है, तुम्हें तो कुकू की आवाज भी सुन गई। टाइफ्लोसोल, टाइफ्लोसोल, इज दैट क्लियर? इनके पास ब्रीदिंग नहीं होता है, इनके पास क्यूटिकल होता है, इसलिए ब्लड स्ट्रीम से ही स्किन से रिस्पायर करते हैं। इतना कर लो, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडियम। नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम। बस टाइफ्लोसोल पे 7 to 8 टाइम क्वेश्चन आया है, नेफ्रीडियम पे 4 to 5 टाइम क्वेश्चन आया है, गैंग्लिया पे क्वेश्चन आया है, अर्थवर्म क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्यूटिकल पे क्वेश्चन आया है। इज दैट क्लियर? सेगमेंट पे क्वेश्चन आया फिर भी मैंने बता दिया, टाइफ्लोसोल पे तो 6 to 7 आया, क्यूटिकल पे क्वेश्चन आया, सेटे पे क्वेश्चन आया, नेफ्रीडियोफोर पे क्वेश्चन आया, क्लाइटलम पे क्वेश्चन आया, फेरेटिमा पे क्वेश्चन आया, प्रोस्टोमियम पेरिस्टोमियम पे क्वेश्चन आया। डन, इतना कर लो, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी, अर्थवर्म पे क्वेश्चन आए ना आए तुम कर लोगे, तुम आराम से इजीली कर लोगे। डन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? बस इतना कर लो, मैंने 2 या 3 बार रिपीट कर दिया है, दैट इज इट, दैट इज इट, कुछ नहीं करना और, दैट इज इट। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी गाइस? और लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा अपने फ्रेंड्स? बस टाइफ्लोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। आ जाइए कॉकरोच पे, ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा फाइलम पे क्वेश्चन आया है, ओमनीवोर्स होते हैं, क्वेश्चन आया है, ओमनीवोर्स कुछ भी खाते हैं, डैम्प प्लेसेस में रहते हैं। नाम होता है पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना। इनकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोराक्स, एब्डोमेन। डन, जो मैं करवा रही हूं करते चलो, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, बाद में मत कहना वानी मैम क्वेश्चन आ गया। एनसीआरटी जितना मैं करा रही हूँ 100% क्वेश्चन आएंगे। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, फिर इसके एक्सोस्केलेटन किसका होता है? काइटिन।
काइटिन। अच्छा, इनकी बॉडी में हार्ड स्केलेटल प्लेट्स होती हैं। यस, हार्ड स्केलेटल प्लेट को क्या कहते हैं? स्क्लेराइट, राइट? स्क्लेराइट, टर्जाइट, टर्नाइट, बट जनरल वर्ड याद रखना, स्क्लेराइट होता है। डॉर्सल प्लेट को कहते हैं टर्गाइट, वेंट्रल प्लेट को कहते हैं स्टर्नाइट, पर स्टर्नाइट और टर्गाइट पे क्वेश्चन नहीं आता, स्क्लेराइट पे आ सकता है। और ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ी है, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन से। किससे जुड़ी है? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। हेड ट्राइंगुलर होता है, ट्राइंगुलर होता है, इज दैट क्लियर? हेड जो है वो 6 सेगमेंट के जुड़ने से बना है, बहुत मोबिलिटी दिखाता है। इनकी आईज कंपाउंड आईज होती है, जिनमें ओमेटीडिया होता है, सिंपल आईज नहीं होती हैं। माउथ पार्ट्स पे क्वेश्चन आएगा, माउथ पार्ट्स पे क्वेश्चन आएगा। देखो, कंपाउंड आई, ट्राइंगुलर हेड, राइट, माउथ पार्ट पे क्वेश्चन आएगा। अपर जॉ इज कॉल्ड लेब्रम, दिख गया? लेब्रम। साइड इज कॉल्ड मैंडिबल, अपर साइड मैंडिबल, उल्टा है, लोअर साइड मैक्सिला, नीचे का जॉ लेबियम। टंग इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स। अंडरस्टूड? ओम करुणा बालाजी यवराली शिक्षा, यू अंडरस्टैंडिंग? अपर जॉ का लेब्रम, अपर जॉ, साइड ऑफ द अपर जॉ मैंडिबल ऑपोजिट मैक्सिलाज लोअर जॉ लेबियम एंड हाइपोफैरिंग्स। माउथ पार्ट्स, अपर लिप लेब्रम मैंडिबल्स मैक्सिला लेबियम इज लोअर लिप एंड टंग इज हाइपोफैरिंग्स। दिख गया? आई मार्क्ड इट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैन यू सी दैट ब्लू लाइन? वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मिसोथोरैक्स, सेकेंड फ्रॉम मेटाथोरैक्स। फोर विंग्स आर कॉल्ड टेगमीना। यस, टेगमीना, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कम फ्रॉम मिसोथोरैक्स, नेक्स्ट पेयर ऑफ विंग्स कम्स फ्रॉम मेटाथोरैक्स। मिसोथोरैसिक विंग आर कॉल्ड टेगमीना, टेगमीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन फीमेल्स द सेवन सेगमेंट इज बोट शेप्ड, एट्थ और नाइन्थ चेंबर के साथ मिलकर जेनाइटल और ब्रूड पाउच बनाते हैं। फीमेल गोनोफोर, कोलैटरल ग्लैंड्स, स्पर्मेटोसाइकल ग्लैंड्स, सेवंथ एट्थ नाइन्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रूड चेंबर से बोट सेगमेंट, बोट शेप कौन सा? सेवन सेगमेंट। ब्रूड चेंबर किससे बनता है? जहां एग स्टोर होते हैं। सेवंथ एट्थ नाइन्थ, बोट शेप सेवन सेगमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशांत, मंसूरा, गायत्री, जयती, जहीन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2023 ऑल्सो, वी नीट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 11th है, रिवाइज कर लो। मेल्स के पास एनल स्टाइल्स होता है विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। दिस क्वेश्चन हैज कम 8 to 10 टाइम्स। इट इज एब्सेंट इन फीमेल्स 8 to 10 टाइम्स। दिस क्वेश्चन हैज कम 8 to 10 टाइम्स। 10 सेगमेंट एनल सिरका होते हैं बोथ सेक्सेस में, बोथ। डिफरेंस क्या है? एनल स्टाइल मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता है। नाउ, खाने के लिए सबसे पहले माउथ फैरिंग्स। क्रॉप, क्रॉप इज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। क्रॉप के बाद गिजर्ड, हु हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स, ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। हेपेटिक सीका, गैस्ट्रिक सीका, 6 to 8 ट्यूब्स होती हैं, राइट? एंड अराउंड 100 to 150 मैल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर देयर, जो एक्सक्रीशन में काम करती हैं। सो देयर इज माउथ फैरिंग्स, क्रॉप, ईसोफेगस, crop which is for temporary storage, gizzard which is for grinding of food, after that there are hepatic cecae which secrete enzymes, and after that gut is there, but gut ke baad there is malpighian tubules 100 to 150 which help in excretion. Blood vessels are poorly developed, open circulatory system, open, very important, there are no blood vessels, that space is called hemocele, organs are there only, hemocele, very important, hemocele, right? Respiratory system, trachea, trachea on the side, there are 10 pairs of spiracles, MCQ question, 10 pair of spiracles, excretion is by malpighian tubules, they secrete uric acid, it is uricotelic, MCQ, yes, very important. Cockroach will survive for 1 week. Very important, even after cutting of the brain, 5 to 6 times MCQ question, because ganglia are there. They have compound eye, which 200, 2000 ometidia per eye.
कंपाउंड आईज. अंडरस्टूड? कंपाउंड आईज, ओमेटीडिया, दे मेक सेवरल इमेजेस. अंडरस्टूड? दे हैव इजैक्युलेटरी डक्ट. ओके, नाउ मेल जेनिटेलिया इज कॉल्ड फैलोमियर ऑल्सो. मेल गोनापोफाइसिस इज कॉल्ड फैलोमियर. फैलोमियर इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन. प्रशांत, आद्या, गोविंद, अश्लेष, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? मेल गोनापोफाइसिस इज कॉल्ड फैलोमियर. अंडरस्टूड? ओवरीज आर इन द सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट. अंडरस्टूड? जेनाइटल चेंबर इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज स्पर्माथीका. इट इज प्रेजेंट इन द सिक्स सेगमेंट. बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं. आप देखो, मैं इतना फोकस नहीं कर रही हूँ. लिखा है मैंने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स. दिस इज इंपॉर्टेंट. एग एक बार फर्टिलाइज हो गया, फर्टाइल एग के बाहर एक कवरिंग है जिसका नाम होता है ऊथीका. ऊथीका इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऊथीका, और इसको डैम्प कॉर्नर पे साइड पे कॉकरोच चिपका देते हैं. ऊथीका इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथीका. हर के पास 14 to 16 एग्स होते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ पोरो मेटाबॉलर्स, निम्फल स्टेजेस. पोरो मेटाबॉलर्स कितनी बार करता है? 13 टाइम्स. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. पोरो मेटाबॉलर्स एमसीक्यू 13 टाइम्स. और लास्ट निम्फल स्टेज होती है जब उसके विंग्स डेवलप होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डन. फूड मटेरियल को कंटेमिनेट कर सकता है. 3-4 चीजें फ्रॉग के बारे में बता देती हूँ, प्लीज सुन लो. सबसे पहले उसका नाम पता होना चाहिए, राना टिग्रियाना, एमसीक्यू क्वेश्चन. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए सर्दियों में माइग्रेट करते हैं या एस्टिवेट करेंगे. बहुत गर्मी हो जाएगी तो भी चले जाएंगे. ये देखो, समर स्लीप, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन. कैमोफ्लाज मिमिक्री करते हैं वाइल्ड एनिमल्स, राना टिग्रियाना. राना टिग्रियाना, यस, ये प्रोटेक्टिव कलरेशन करेंगे, मिमिक्री करेंगे और बहुत गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टिम्पैनम. टिम्पैनम, सबसे पहले इसकी स्किन मॉइस्ट होती है क्योंकि ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है. इसके कान नहीं होते, पर कान के पास यहाँ एक जगह होती है जिसको टिम्पैनम कहते हैं. आईज के साइड में होती है, साउंड सिग्नल वहीं से लेता है. राइट. सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेल फॉग्स आवाज करते हैं, क्रोक करते हैं, फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं. और मेल फॉग्स के पास एक कॉप्यूलेटरी पैड होता है फोर लिम्ब में. हाइंड लिम्ब में नहीं होता, एमसीक्यू में बहुत बार आया है. कॉप्यूलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब्स है, एग्जाम में 5-6 बार आया हुआ है. बच्चों, बाद में मुझे थैंक यू बोलना. मुझे पता है बोलोगे वानी मैम सुबह की एनसीईआरटी सीरीज से बहुत फायदा हुआ, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कॉप्यूलेटरी पैड, कॉकरोच और स्वर्म में मैंने जो कराया उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. यहाँ कॉप्यूलेटरी पैड फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब पे होता है. एमसीक्यू आता है, एमसीक्यू आता है. डन. फिर बाकी आपको क्रॉप, गिजर्ड वगैरह पता है, इंपॉर्टेंट नहीं है. ईसोफेगस पता है, पैंक्रियाज, एचसीएल, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इज दैट क्लियर? पैंक्रियाज इनके पास होते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने मार्क किया है, पहले आते थे क्वेश्चन तो मैंने मार्क किए हुए हैं, बिकॉज अगर आप 2008-09 में देखोगे क्वेश्चन आए हुए हैं. बट देखो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एग्जाम में आ सकता है, अगर डिलीटेड है तो भी आ सकता है. कॉपुलेटरी पैड एग्जाम में आ सकता है, बिकॉज एनिमल किंगडम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. डन. ओके, ये आ सकता है. नाउ पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अलावा क्या करेगा ये? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, आ सकता है. सर्कुलेटरी, ये रेप्टाइल के अंडर 3-chambered हार्ट, राइट? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स का क्वेश्चन बन सकता है. 3-chambered हार्ट, 2 atria 1 ventricle. आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन होता है. एंड फ्रॉग यूरियाटेलिक है, यूरिया से क्रिएट करता है, यूरियोटेलिक. बाकी ये कुछ भी जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? टिम्पैनम, यूरियोटेलिक, टिम्पैनम. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव अ कॉमन पैसेज फॉर एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एग लेइंग. फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स. एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, यस, एंड फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म्स. कॉमन चेंबर, कॉमन चेंबर, कॉमन चेंबर. रिप्रोडक्टिव है, एक्सक्रीटरी है, राइट एवरीबडी? इट इज द कॉमन चेंबर, एग लेइंग. इट इज कॉल्ड द क्लोका, क्लोका, क्लोका. यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें आ रहा है, राइट एवरीबडी?
यूरेटर भी इसमें आ रहे हैं, देखिए आपकी ओविडक्ट भी इसमें आ रही है, दिख रहा है क्लोका कॉमन चेंबर है, ओविडक्ट भी इसमें आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें आ रहा है, यूरेटर भी इसमें आ रहा है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, पानी में फर्टिलाइजेशन करते हैं, बहुत बार एमसीक्यू में आए। लार्वल स्टेज को टैडपोल कहते हैं और इकोलॉजिकली फूड चेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? बस इतना ही करना होता है, डन। 45 मिनट से ज्यादा कभी भी मेरी क्लास में नहीं लगा, बिकॉज आई ऑलवेज मार्क द क्लास इनकम। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, इनके फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन डायनसेफेलॉन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया, फोरामेन मैग्नम पे कोई क्वेश्चन, क्लोका पे क्वेश्चन आया, टिम्पैनम पे क्वेश्चन आया, करना पड़ेगा आपको चाहे जो मर्जी हो जाए। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्वेश्चन आया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन आया, क्लोज टाइप पे आया, आरबीसी पे क्वेश्चन आया, टिम्पैनम पे क्वेश्चन आया, एस्टिवेशन पे क्वेश्चन आया, हाइबरनेशन पे क्वेश्चन आया, राना टिग्रियाना पे क्वेश्चन आया है, राइट, कॉपुलेटरी पैड पे क्वेश्चन आया। इतना भी कर लोगे इट इज मोर देन इनफ, इतना तो आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? हो शाम को एमसीक्यू करवा दूंगी इस चैप्टर के। यार कल तो मुझे इतना हेडेक हुआ, मैं वो सीयूटी वाला लेक्चर भी नहीं ले पाई, कल ले लूंगी। एंड गाइस ये देख लो यार, ये प्लीज दोनों क्रैश कोर्स लाइव है, द बेस्ट टीचर्स आर गोइंग टू टीच यू। ये वीडियो प्ले करके देखो, हाउ ऑसमली अमेजिंग दिस इज, राइट? बहुत बहुत अमेजिंग होने वाला है, प्लीज टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज होने वाली है, प्लीज इसे मिस मत कीजिए। बाय द कोर्स, अप्लाई माई कोड VD प्रो और आ जाओ यार। गाइज जो भी बच्चे जिनका 11th छूट चुका है, पढ़ाई नहीं हुई है, जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं है, 45 डेज है, यू वांट टू गिव अ गुड शॉट और नॉट? आप व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट अ ईयर गाइज? टेक दिस क्रैश कोर्स, आपका 200 टू 250 टू 300 स्कोर बूस्ट हो जाएगा सिर्फ नेक्स्ट 30 डेज में। 300 पे हो मैं गारंटी लेती हूँ क्रैश कोर्स अच्छे से करोगे 550 से कम नहीं आएगा। अगर सिर्फ 300 पे हो क्रैश कोर्स अच्छे करोगे 570-580 आएगा, अगर अगले 40 डेज क्रैश कोर्स कर लोगे, वो भी ये लाइव क्रैश कोर्स है, अनलिमिटेड डाउट्स पूछो। गाइज प्लीज डोंट ड्रॉप अ ईयर, ड्रॉप करना बहुत बड़ी बात है, ये आज से शुरू है, एक भी क्लास मिस मत करो, दिस इज द लास्ट क्रैश कोर्स जो आज से शुरू है, डन। सी यू इन द इवनिंग एट 5:30, एट 7:30 टू डू मॉलिक्यूलर बेसिस एंड 9 PM टू डू द एमसीक्यूज। बाय बच्चो, रट्टा हो गया आज यस चैप्टर का, बाय बच्चों, कल सुबह भी 6 बजे मिलते हैं, 6 या 6:30 छोटा सा पोल कर लूंगी मैं। बाय चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, बाय बच्चों, बाय 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 बच्चों, बाय। एंड प्लीज क्रैश कोर्स ले लेना गाइस जल्दी से जल्दी, अभी से अभी। वीना थैंक यू एंड लव बैक टू यू।